कि गॉस सीडल मेथड क्या काम आता है, वर्किंग रूल क्या है, और इसके एक दो क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे। स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल पे हमारे सारा बीएथ मैथमेटिक्स बीटेक का मैथ आपको अवेलेबल मिलेगा। इन प्लेलिस्ट, इन डिस्क्रिप्शन लिंक, नोट भी आपको डिस्क्रिप्शन में पक्का मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, धीरे धीरे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं वर्किंग रूल्स के ऊपर और ये किस लिए यूज में आया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इट इज यूज टू सॉल्व लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मैंने बताया था जो हमारा इससे पिछला लेक्चर था गॉस जकोबी मेथड्स, वो भी क्या था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ही सोल्व करता था, और ये दो ही मेथड है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, हमारा गॉस सीडल मेथड और गॉस जकोबी मेथड। ठीक है, और ये हमारे क्या है, इरिटेशन मेथड भी बोलते हैं इनको। ये क्या आते हैं, इट इज यूज टू फाइंड अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन। जी हमारा क्या देते हैं, एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन देते हैं, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देते। क्या है ये, हमारा क्या देते हैं, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन देते हैं। एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए हमारा कौन सा था, गॉस जॉर्डन मेथड था हमारा, और दूसरा हमारा कौन सा था, गॉस एलिमिनेशन मेथड रहता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये हमारे एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हैं, और ये हमारे दोनों क्या है, अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन देते हैं। ये भी क्या है, ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ही सोल्व करते हैं। क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं, बट ये क्या देते हैं, एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हैं हमें। और ये क्या, सीडल्स क्या है, हमें अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन देता है स्टूडेंट। तो दो नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है हमारा, कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन कौन देता है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन करने के हमारे क्या क्या मेथड्स हैं। तो मैं आपको दोनों बता चुका हूँ, इरिटेशन मेथड है अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन के लिए गॉस सीडल्स एंड गॉस जकोबी मेथड्स, एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए गॉस जॉर्डन मेथड एंड गॉस एलिमिनेशन मेथड है स्टूडेंट्स हमारा। तो चलते हैं इसके वर्किंग रूल्स के ऊपर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले देखो कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहां पे हमारी इक्वेशन गिवन रहेगी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन, फिर हमारी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू, फिर हमारे रहेगी ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री। ये हमारी इक्वेशन रहेगी, कंडीशन सेम, कंडीशन हमारी जो लास्ट गॉस जॉर्डन में थी, क्या ए वन का मॉडुलस ग्रेटर देन बी वन का मॉडुलस प्लस सी वन का मॉडुलस। फिर हमारी क्या कंडीशन थी कि बी टू का मॉडुलस ग्रेटर देन ए टू का मॉडुलस प्लस सी टू का मॉडुलस। फिर हमारी क्या थी, सी थ्री का मॉडुलस ग्रेटर देन ए थ्री का मॉडुलस प्लस बी थ्री का मॉडुलस। ये हमारी कंडीशन थी, ये कंडीशन हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये को ये ऑलरेडी आपको पेपर में लिखना नहीं है, ये कंडीशंस ये आपको दिमाग में रखना है सीधा, ये कंडीशंस देन विल बी सॉल्व इक्वेशंस। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, अब ये इक्वेशन है हमारी, ये हम इक्वेशन वन मान लिया, क्या मान लिया, इक्वेशन वन मान लिया। अब स्टूडेंट्स, ये मॉडुलस का ग्रेटर होने का, बी टू ग्रेटर होने का, सी टू ग्रेटर, मतलब एक बार ये ग्रेटर का, एक बार ये ग्रेटर का, और एक बार ये ग्रेटर होने का मतलब क्या है। देखो बच्चों, मतलब ये है कि जो हमारा इसमें, हम मेरा मतलब क्या है कि हम, हो सकता है कि क्वेश्चंस में आपको ये ना दे के आपको दे दे कि इसमें पहले इक्वेशन में बी वन ग्रेटर हो, दूसरे में ए टू ग्रेटर हो, तीसरे में सी थ्री ग्रेटर हो, इन दोनों के सम से, ऐसा भी हो सकता है। कोई ये पॉसिबल नहीं कि जो मैंने लिखवाया यही पॉसिबल हो, लेकिन मेरे बोलने का मतलब क्या है वो समझो आप। मेरे बोलने का मतलब है जो हमारा ए वन है, ए वन अगर ग्रेटर है, ए वन जो एक्स का कोफिशियंट ए वन है वो ग्रेटर है बी वन प्लस सी वन जो वाई और जेड का कोफिशियंट है, तो ये इक्वेशंस किसके लिए सोल्व होगी, एक्स के लिए। तो इधर से किसकी वैल्यू निकलेगी, एक्स की निकलेगी। अगर बी टू का कोफिशियंट ग्रेटर है, इधर हमारा बी वन का कोफिशियंट होता, तो इस इक्वेशन से जो हमारी ये इक्वेशन है, इधर से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते, इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड करते स्टूडेंट्स, वाई की फाइंड कर लेते। अगर सी वन ग्रेटर होता इन दोनों के सम, तो इधर से हमारी जेड की हो जाती। तो इसलिए मैंने बस एक आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे कि हमारी क्या क्या कंडीशंस है। मान लो पहले हम लेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारा ए वन ग्रेटर है इसमें, तो हमारा किसके लिए सोल्व होगी इक्वेशन वन, ये पहली वाली, ये जो इक्वेशन है ये वाली हमारी एक्स के लिए। इसमें मान लो हमारा बी टू ग्रेटर है इन दोनों के कोफिशियंट से, मॉडुलस भी है, देखो मॉडुलस में हमेशा नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो जाती है। इसमें सी थ्री, तो जिसमें जो कोफिशियंट बड़ा रहेगा वो इक्वेशन से उसी की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की बड़ी है तो एक्स का, वाई का बड़ा है तो वाई का, और जड़ का बड़ा है तो जड़। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज, देखो हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर वन है। अभी मैंने कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाइंग कंडीशन टू सोल्व
इक्वेशन वन, इक्वेशन वन को हम सोल्व कर रहे हैं तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन ए वन डी वन माइनस बी वन वाई माइनस सी वन जेड। अब मान लो इसमें क्या बी बी बड़ा है, हमारा बी का कोफिशियंट बड़ा है, तो ये किसके लिए सोल्व हो जाएगी, बी टू के लिए। तो इधर से क्या वैल्यू आ जाएगी, सी टू जेड माइनस ए टू एक्स। अब जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सी थ्री जेड डी थ्री माइनस ए थ्री एक्स माइनस बी थ्री वाई। इसको इक्वेशन नंबर टू लेट कर लो, इसको थ्री लेट कर लो, और इसको हमारी फोर लेट कर लो। स्टूडेंट्स हमने क्या कंडीशन हमने लेट किया, एग्जाम में हो सकता है कि आपको जो ये वैल्यू है आपको भी एग्जाम में ये वैल्यू बढ़ू हो, पहली जो हमारी इक्वेशन है इसमें, तो ये हम किसके लिए सोल्व करेंगे, इधर से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले वाई की, हो सकता है ये एक्स की हो या जेड की हो, तो जो बड़ी वैल्यू रहेगी हम उसी से वैल्यू वो वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कन्फ्यूज मत होना, एग्जाम में सबसे बड़ा मिस्टेक का चांस यही है हमारा, ठीक है। अब ये हमारा इधर तक कंप्लीट हो गया, ये हमारा क्या है कि सेम हमारा शिडल्स मेथड, गॉस जैकोबी मेथड है। अब रूट, सबसे बड़ा रूट हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे हमारा। हम क्या करेंगे, उसमें तो क्या करते थे कि हम सीधा पुट कर देते, एक्स वाई जेड तीनों में पुट करते हुए चलते थे। पहली कंडीशन क्या थी, देखो ये तो हमारा इसका है और उसका मैं इधर लिख रहा हूँ, ये हमारा किसका था, जैकोबी का था, ठीक है, और इधर हमारा इसका। जैकोबी में क्या करते थे कि हम एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो रख देते थे इक्वेशन वन में, मतलब सॉरी इक्वेशन टू थ्री एंड फोर में एक ही चीज़ यही बारी बार रखते थे, पहले x की इक्वेशन में y और z रख देते थे, y वाली में z और x रख देते थे, इसमें x और y रख देते थे, तो हमारे सारे रूट आ जाते थे। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि इक्वेशन सेकेंड में हम y इज इक्वल टू जीरो एंड z इज इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि इधर से दोनों को जीरो पुट करने से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, इधर से क्या आ जाएगी x1 की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारी x1 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे y की निकालने के लिए, हम इक्वेशन थ्री में, इक्वेशन थ्री है हमारी y की, इसमें क्या पुट करें, देखो अभी हमारी x इज इक्वल टू एक्स वन, एक्स की वैल्यू नहीं आ चुकी है, तो हम ये x इज इक्वल टू एक्स वन पुट करेंगे, y की निकाल रहे हैं तो y एज इट इज, और जड हमारा अभी तक कुछ आया नहीं, जड क्या करेंगे जीरो, तो इधर से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू वाई वन, हमारी एक नई इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशन फोर्थ में क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स वन जो हमारी नई वैल्यू आई है, और y इज इक्वल टू वाई वन जो हमारी नई वैल्यू आई है, तो इधर से हमारी z इज इक्वल टू जेड वन आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जैकोबी में क्या था कि हम उसी पहले एक बार सिंपल सा था, उसमें क्या था कि हम a की वैल्यू पुट करते थे, x y z ही पुट करते थे, लेकिन इसमें क्या है कि जो नई वैल्यू आएगी उसी सेम टाइम पुट करता हुआ चलेंगे। अब मान लो सेकेंड का पूछो, बोलो सर सेकेंड, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट, भाई सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट में क्या करेंगे, देखो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट में क्या करेंगे, पुट इक्वेशन टू, क्या पुट करेंगे, अब बोलोगे सर ये तो पुट कर लिया, अब जो नई वैल्यू आई है हम एक्स के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो हम क्या पुट कर देंगे, वाई इज इक्वल टू वाई वन एंड जेड इज इक्वल टू जेड वन पुट कर देंगे, तो इधर से क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा, हमारी एक्स टू की नई एक्स की वैल्यू नई वैल्यू आ जाएगी, मान लो एक्स टू आ गई। अब देखो ये तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, अब पुट इक्वेशन थ्री, थ्री को किसके लिए सोल्व करते हैं, वाई, अब वाई के लिए सोल्व करेंगे तो ये एक्स टू की वैल्यू नहीं आई है, वो यूज करेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स टू एंड, और किसकी वैल्यू हमें यूज करनी, जड़ की, तो जड़ इज इक्वल टू जड़ की पुरानी वैल्यू, क्योंकि जड़ की अभी नई वैल्यू आई नहीं है, तो इधर से क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू वाई टू। अब क्या करेंगे, पुट इक्वेशन फोर, इक्वेशन फोर में क्या पुट करेंगे, हमें किसके लिए सोल्व करनी है, जड़ के लिए, तो जड़ के लिए एक्स और वाई की नई वैल्यू हमारे पास आ रखी है, एंड वाई इज इक्वल टू वाई टू, तो इधर से क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू जेड टू, तो ये हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट आ जाएगा। तो सेम चलते रहेंगे हम आगे जब तक हमारे अप्रोक्सीमेशन रूट सारे, मतलब सेकेंड और थर्ड या फोर्थ या फोर्थ या फिफ्थ, हमारे दो रूट सेम ना आ जाए, एक्स वन वाई वन और जेड वन की वैल्यू हमारी सेम ना जाए, तब तक हम करते रहेंगे। या आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि कितने सेकेंड रूट तक निकालना है, थर्ड रूट तक निकालना है, या हमारे फोर्थ रूट तक निकालना है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये सेम स्टेप हम आगे करते हुए चलेंगे। अभी हमारा क्या है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसकी हेल्प से वो और अच्छा समझ में आएगा। बस आपको कुछ नहीं है, दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है बिल्कुल, उसमें सेम वैल्यू पुट करेंगे, इसमें जो नई वैल्यू आ गई वो पुट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हमारा दे दिया स्टूडेंट्स, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉस सीडल्स मेथड्स, हमें सिस्टम दे दिया। और ये दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि हमें दे दे 83 11 माइनस 4 7 15
52, 13, 3, 8, 29। और हमें ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी दिए सकता था क्वेश्चन में, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये दूसरा लिखने का तरीका है, जैसे हम क्लास ट्वेल्थ में मैट्रिक्स में लिखते थे, इस प्रकार भी आ सकता है। सेम हमारा गॉस जॉर्डन और गॉस जैकोबी में भी इस प्रकार का आया, गॉस सीडल में भी हमारा, ये गॉस जॉर्डन में भी इस प्रकार से क्वेश्चन दोनों हमारे सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। बस आपको एग्जाम में घबराना नहीं है बिल्कुल भी देख के क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कंडीशन अप्लाई करना, ठीक है, क्या करना, कंडीशन अप्लाई, सॉल्यूशन करते हैं इसका, कंडीशन दिमाग में लगाओ, एग्जाम में करके नहीं दिखाना है, कंडीशन अप्लाई। तो इसमें क्या है, 83 बड़ा है इन दोनों से, 83 क्या है, ग्रेटर है, 83 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन 11 प्लस माइनस 4 का मॉडुलस, तो 83 ग्रेटर हो गया, इधर से कितना आ जाएगा 15, तो ये किसके लिए सोल्व होगी, x के लिए होगी, तो इधर से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1/83 95 - 11y + 4z। और अब देखो इसमें 52 बड़ा है इन दोनों से, तो ये y के लिए सोल्व होगी, तो इधर से हम y की वैल्यू निकालेंगे और फिर z की निकाल लेंगे, ठीक है। ये इधर से हमारी क्या आ गई, x y z की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल सी x y z की वैल्यू आ गई। अभी हमें क्या निकालना है, रूट क्या निकालेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। अभी हम क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। तो रूट निकालने के लिए जो मैंने आपको वर्किंग रूल में बताया था, ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब पुट है इक्वेशन 1, एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी एक्स के लिए तो निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं हम, एक्स के लिए निकाल रहे हैं, तो एक्स तो 0 पुट नहीं होगा, एक्स के लिए निकाल रहे हैं पहले, तो इसमें वाई 0 और जेड 0 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जैसे ये पुट करेंगे तो हमारा 1/83 अंदर क्या 95, बाकी तो सब कुछ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सा, यही होगा ना स्टूडेंट्स, हमारा बिल्कुल यही होगा ना, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से हमारा। इसको पुट करने के बाद इसको जब हम पुट करेंगे यही होगा 95/83, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 1.145, ये हमारी नई वैल्यू आ गई x की। अब क्या करेंगे, देखो पुट इक्वेशन 2, अभी इक्वेशन 2 को किसके लिए सोल्व कर रहे हैं, y के लिए, बट हमारी x की नई वैल्यू आ गई है, हमें ये पुट करनी है इसमें 1.145, एंड अभी y की वैल्यू तो निकाल रहे हैं, जड़ की कोई वैल्यू नहीं आई नहीं, तो जड़ हम क्या करेंगे 0, तो इधर से हमारी y इज इक्वल टू 1/52 104 - 7 × 1.145 और ये 0 हो जाएगा, तो इधर से हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 1.846, ये हमारी आ जाएगी। अगला देखो पुट इक्वेशन 3, अब 3 में क्या करेंगे, 3 किसके लिए सोल्व हो रही है, हमारी जड़ के लिए, जड़ के लिए सोल्व हो रहा है, सिंपल सी बात है, तो हमारी x की नई वैल्यू 1.145 और y की वैल्यू 1.846, ये हमारी वैल्यू होगी, तो इधर से जड़ की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारी बिल्कुल सिंपल सी 1.821, ये हमारी नई वैल्यू आ जाएगी, जो हम किस में रखेंगे इक्वेशन थर्ड में, इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारी ये जड़ की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे क्या हो गया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट हो गया। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड के ऊपर, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट के ऊपर स्टूडेंट्स, तो सेकेंड के लिए हमारे ये सारी इक्वेशन से तीनों का यूज पड़ेगा, तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, इनको कॉपी कर लेता हूँ स्टूडेंट्स एक मिनट, तो इनको मैंने कॉपी कर लिया है और आगे इसको मैं एज इट इज पेस्ट कर लिया इन इक्वेशन को, क्योंकि इन्हीं का यूज पड़ेगा हमें। क्या फाइंड करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट, जी हमें इनके लिए फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो और हमारी वैल्यू क्या आई है, नई एक्स वन वाई वन एंड जेड वन की जो नई वैल्यू आई है, अभी उनका यूज है, पुराने को तो भूल जाओ, नई वैल्यू हमारी क्या क्या आई थी, 1.145, 1.846 एंड 1.821। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, पुट x की वैल्यू निकालेंगे, तो पुट y इज इक्वल टू 1.846 एंड z इज इक्वल टू 1.821 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो इधर से हमारी x इज इक्वल टू 1/83
95 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू कितनी है 1.846 प्लस 4, जेड की वैल्यू कितनी है 1.821। तो हमारी इधर से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आएगी हमारी 0.988। अब हम क्या करेंगे, पुट, अब हम क्या करें, किसकी वैल्यू निकालेंगे सेकंड इक्वेशन में वाई की वैल्यू के लिए, वाई की तो पुट हम एक्स नया आ गया तो हम एक्स की वैल्यू 0.988 जो नई वाली वैल्यू है वो लेंगे, एंड जेड जेड हमारा पुराना वाला ही लेंगे क्योंकि अभी से हमारी वैल्यू आई नहीं है इन इक्वेशन टू। तो इधर से हमारी इस टू में पुट करेंगे तो हमारा इधर से क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी, और वाई की वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी 1.142, इसमें पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यू, ठीक है। फिर हम जेड की वैल्यू निकालेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू, अब किसके लिए निकाल रहे, जड़ के लिए, तो जड़ के लिए निकाल रहे हैं तो हमारी जो नई वैल्यू आ गई है दोनों, तो नई वैल्यू यूज करेंगे 0.988 एंड वाई इज इक्वल टू 1.412 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में यूज करेंगे तो इधर से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, जड़ की वैल्यू आ जाएगी, जड़ की क्या वैल्यू रहेगी 1.956, ये हमारी जड़ की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट। अभी हम किस कैस क्या निकालेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन रूट निकालेंगे। तो ऐसे ही हमारा स्टूडेंट्स चलता रहेगा और हम आगे भी हम सेम निकालते रहेंगे, इसका क्या निकालेंगे, सेम हम आगे इसको निकालते रहेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमें मान लो इसमें क्वेश्चन में हमें सेकंड तक ही पूछा हुआ है, ठीक है, मैं सेकंड तक ही समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा लंबी बनाने से कुछ फायदा नहीं है। हमें कब तक चल निकालते रहना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थर्ड अप्रोक्सीमेशन रूट, उसमें हम क्या करेंगे, जो ये नई वैल्यू आई है इनका यूज करते हुए सेम जो कार्यक्रम हमने पीछे किया वो निकालेंगे। कब तक निकालते रहेंगे, जब तक कोई भी दो थर्ड या सेकंड, फोर्थ या थर्ड, कोई भी दो हमारे सेम ना जाए तब तक हम निकालता रहेंगे। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आपको निकालना है। और यही हमारा आज का लेक्चर था स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा लेक्चर था, बहुत ही ईजी है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और हमारा अगला मेथड रहेगा उलर मेथड्स, उसके ऊपर हम बात करेंगे बहुत ही जल्दी हमारे